हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू आवर क्लास 6 ज्योग्राफी। बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने हम लोग पढ़ा था हीट जोन ऑफ द अर्थ, और इस वीडियोस में पढ़ेंगे हम व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर क्या है। टू द फिक्स पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटिट्यूड ऑफ द प्लेस। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट द टंगा एसलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड द मॉरिटीशिया एसलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लोकेटेड देम द फिश। कहता है कि इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां की आवश्यकता भी होती है। हम देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए हम ये पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, यानी उसमें कितनी दूरी हो सकती है, इसको हम जानेंगे। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर रेखाएं भी कहा जाता है, कहते हैं, तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती है, यानी सभी क्या हो जाता है तो एक दूसरे से मिल जाती है। अब कहता है कि अनलाइक द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड और द मेरिडियन आर ऑफ द इक्वल लेंथ, कहता है अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेदशाला स्थित है, ये गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इनका मान 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री यानी 180 डिग्री वेस्टवर्ड यानी पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख जो इसकी है द प्राइम मेरिडियन, यानी इसकी जो प्रमुख है याम्योत्तर, इसको इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इस और 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर जो पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम या म्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब एक चीज देखिए, आप ग्लोब में देख सकते हैं, जो कहता है कि अक्षांश जो समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। अगर हमें किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर हम उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। एक उदाहरण के लिए कि असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर, यानी कहता है कि असम का जो भाग है जो सिचुएटेड 26 डिग्री उत्तर नॉर्थ, माने यह 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं
90 डिग्री ईस्ट यानी पश्चिम पूर्व की ओर देशांतर पर स्थित है। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट द ईच अदर। अब कहता है कि यह बिंदु, अब उस बिंदु को जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। अब कहता है कि इसे समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें, खींचकर हम इसे समझ सकते हैं। जो एक ये रेखा के द्वारा आपको बताया गया है, इस रेखा के द्वारा हम समझ सकते हैं। कहता है कि एक रेखा जो अपने कॉपी पर लाइनिंग करना है, खींचना है, और इसमें इंडिकेट लेटर को इंडिकेट करना है, ए बी सी डी, फिर एक ऊपर का दूसरी लाइन को 1 2 3, ऐसे इसे हम इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट करने के बाद पता है कि इस कागज मानचित्र पर जब हम 1 2 3 और का क ख ग हिंदी में इसे या ए बी सी डी ऐसे मान के इसको हम लिख देते हैं, जिन बिंदु पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है, अब जिस बिंदु पर ये रेखा कटेगी, एक दूसरे को रेखांकित करती है, काटती है, उस बिंदु को क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, वहां कुछ छोटे वृत्त खींचेंगे। इन छोटे वृत्तों को ए बी से नामों पर व्यक्त करते हैं। अब उस बिंदु को हम क्या करेंगे कि जहां पर इसको काटेंगे उसको ए बी सी डी कुछ ऐसे ही इंडिकेशन करेंगे। अब हम एक चीज कहते हैं कि मान लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो ग्लोब के द्वारा कहता है कि ग्लोब लैटिट्यूड जो इस फिगर में 2.7 में कहती है, दिखाता है। अब एक ये भी चित्र देखिए जो बता रहा है, जो आपके कुछ कुछ दिया है, यानी पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर कहा जाता है, इंडियन ओशियन जिसे हिंद महासागर कहा जाता है, अटलांटिक ओशियन जिसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है, अब यहाँ भी पैसिफिक ओशियन जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, यानी ये जो है इंटरनेशनल डेट लाइन इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो इसे हम पढ़ सकते हैं, जो एक ग्रीनविच का भी बता रहा है। यह एक जो है अहेड ए बिफोर कहता है कि एक हो गया आगे, एक हो गया पीछे, एक हो गया ग्रीनलैंड जिसे हम लोग समझते हैं, यानी इसे आगे और पीछे बने, बिफोर पहले का और ये अहेड का आगे का, यानी ये चीज को हम लोग चलते हैं। अब उसके आगे कहता है कि अब आप हम ये देखेंगे कि वृत्त अ ख एवं अक्षांश जैसे ए और बी उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसकी जो डिग्री है वो हम इस पर कर सकते हैं। ये डिग्री को जो इंडिकेट किया गया है इसे हम 1 मान के 1 डिग्री पर मान सकते हैं, इसको अन्य वृत्तों की स्थिति आप निकाल सकते हैं हम समझ करके और कॉपी पर इसको समझ सकते हैं। देशांतर और समय कहता है कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, देशांतर और समय क्या है। कहता है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है, जो उसकी जो मूवमेंट होती है वो गति के रूप में, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी दिखती है। आप लोग भी देखते होंगे जब सुबह में हम उठते हैं और देखते हैं सूर्य निकल रही है तो वह बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन जब दोपहर में देखते हैं तो छोटी दिखाई देती है, और फिर शाम को जब वो डूबने लगती है तो बड़ा सा लंबी दिखाई देती है। ग्रीनिश पर स्थित प्रमुख में याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, यानी आफ्टरनून डे, मिड डे, ऑन और नून होता है, उस पर दोपहर की होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर और पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा, जो आपको चित्र के द्वारा बताया गया है। इस चित्र में हमने देखा है जो ये किस प्रकार से ये आगे पीछे होता है, इस फिगर के द्वारा हमें समझाया जा रहा है। अब कुछ
रेखाएं जो इसमें हमको बता रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती, वे स्थान जो ग्रीनवी विल्स उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित से हम किए जा सकते हैं। हम जो गिनती करेंगे, समय की जो गणना करेंगे वो निम्नलिखित विधि से हम कर सकते हैं। पृथ्वी की लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितने? 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 60 मिनट, यानी 15 × 4 = 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होती है, मध्य रात्रि होगी उस बीच में 180 डिग्री जब होगी तो मध्य रात्रि होगी, और 12 बजे के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होती है। अब कहता है कि एडे किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं, और इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय माना जाता है। अब हम देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय जो समय है वो समान देखा जा रहा है। यानी हम अब आप कहते हैं कि why do we have standard time, हम मानक समय को क्यों मानते हैं। एक मानक समय तो हमको मानना ही पड़ेगा, हम घड़ी में टाइम समय देखते हैं तो हमारे यहाँ अभी कितना बजा है वो, और अभी दिल्ली में, कलकत्ता में, भोपाल में, महाराष्ट्र में या इंग्लैंड में किस प्रकार की टाइमिंग होती है, उसे हम एक मानक समय कहते हैं। जो मानक समय हम इसे क्यों मानते हैं, क्यों उसको हम मानेंगे, हमारे लिए एक जरूरी है, कैसे जरूरी है। कहता है कि द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर द डिफरेंट द मेरिडियन आर बॉन्ड टू द डिफर, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका, जो कहता है कि, और डिब्रूगढ़, यानी भारत का जो द्वारका असम तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में माने 82.2 डिग्री ईस्ट, यानी 82.1 डिग्री पूर्व के 82.30 मिनट पूर्व की ओर मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। अब कहता है कि कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन। अब कबीर जो है यह भोपाल के एक छोटे शहर में रहता है। कबीर नाम के व्यक्ति, वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या हम जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है, तो इसको जानते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.30 यानी 30 अंश पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट
आगे होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में मानक 11 समय को अपनाया गया है, यानी यह जो समय है रूस में जो माना जाता है वह लगभग 11 को, यानी कहता है कि 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है, यानी इनटू द 24 टाइम जोन ऑफ आवर ईस्ट जोन दस कवर द 15 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब इसके द्वारा जो मैंने आपको बताया ये हम फिर से पढ़ेंगे, चैप्टर को रीडिंग देंगे, समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये हमको क्या कहता है। अब हम इसी कड़ी में आपको क्वेश्चन समझा देते हैं कि हमें क्वेश्चन अब क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने अध्याय को पढ़ा, चैप्टर को पूरा कर लिया, पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद हमारे लिए क्वेश्चन भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी इसका अर्थ होगा कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, जो मैंने पिछले पेज में आपको पढ़ाया है कि उसका सही शेप क्या होता है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्लोब, ग्लोब क्या है, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है जो भी पढ़ाया गया है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, यानी कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है, जो मैं बताया था आपको वो 3 कटिबंधों का नाम लिख देना है। इसमें तीनों का नाम एकदम सजा के अपने कॉपी पर नोटबुक में लिखेंगे आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द 3, ये हो गया, व्हाट आर द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, यानी कहता है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, इसे हमें लिखना है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो डिफिनेशन है इसको हम पैरेलल एंड इसे लिखेंगे। अब है कि व्हाई डज दैट टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, कहता है उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, जो इससे पहले हम पढ़ाए हैं कि वह क्यों प्राप्त करते हैं, किस लिए प्राप्त करते हैं, इसे हम जानते हैं। अब कहता है कि व्हाई इज इट द 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन द लंदन, कहता है जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, यह क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस बुक में ही है, बुक के द्वारा जो मैंने पढ़ाया है उसके द्वारा आपको नोट करना है, बनाना है। अब है टिक द करेक्ट में द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन 0 degree, द फ्रीड जोन लाइज नियर द पोल्स, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर 360, द अंटार्कटिक सर्किल इज लोकेटेड ऑफ द सदर्न द हेमिस्फीयर, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इसके बाद है द फिल इन द ब्लैंक्स, द टॉपिक द कैप्रिकॉर्न इन द लोकेटेड, जो मैंने यहाँ पे वर्ड दिया है आप लोग इसे देख के वर्डेंगे, 23:2 degree साउथ, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82:2 degree ईस्ट, द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज द प्राइम मेरिडियन, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द प्राइम मेरिडियन, द आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द नॉर्थर्न द हेमिस्फीयर, इस हेमिस्फीयर के द्वारा ऐसे समझे, यानी इस द्वारा हमारा यह ज्योग्राफी का दूसरा लेशन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसे चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सभी बच्चों से कहूँगा इसे पढ़कर नोट्स बनाकर क्वेश्चन को बना के कॉपी में बना के पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे, जब तक चैप्टर हम रीडिंग नहीं देंगे हमारे समझ में कुछ भी नहीं आएगा।
चैप्टर को रीडिंग देने के बाद, समझने के बाद, फिर कुछ हमें चैप्टर क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसे समझेंगे। समझने के बाद हम लिखेंगे, उसकी अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सारा हिंदी भी बताया है, उसके साथ कुछ मीनिंग भी लिख दिया है, फिर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस क्वेश्चन का भी हिंदी बता दिया है, जो आपके पेज में ही दिए, आपके बुक में इसी लेसन के द्वारा ही उस आंसर को लिखना है। ट्रू फॉल्स मैंने बता दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें वर्ड दिया गया। इस तरह से आप लोग इसे पढ़कर अपने कॉपी को तैयार करेंगे। थैंक यू।